सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839989305715। इंजीनियर विकास झा 8770089448। गुना के बूढ़े बालाजी इलाके में बिजली गिरने से एक युवक घायल हो गया। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस बिजली की चपेट में एक मंदिर की गुबंद आ गई जिस पर बिजली गिरी। यह मंदिर करीब 190 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसका अभी 5 साल पहले जीर्णोद्धार कराया गया था। बिजली की घटना को लेकर नंदराम कुशवाहा ने बताया कि बिजली गिरने से करीब 2 से 3 लाख का नुकसान हुआ है। क्या घटना हुई यहाँ पे? ये घटना रात को हुई है, 8:30 बजे करीब बिजली गिरी है। बिजली गिरने से मंदिर की गुम्बद क्षतिग्रस्त हुई है और ये गुम्बद अभी हमने 2-3 साल पहले ही बनवाई थी। इसके अतिरिक्त मंदिर का निर्माण भी पुनः कराया गया है। ये मंदिर आपने देख लिया होगा, 190 साल करीब पुराना था। अभी 5 साल पहले इसको तैयार करवाया है। और एक और हमारे समाज में घटना हुई है चांसावली के, यहाँ वो मुनेश नाम का कुशवा है, उसके छत पे से बिजली गिरी है। वो दरवाजे पर खड़ा था, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और छज्जे के अंदर उसमें पोल है, अभी आप जाके देख सकते हैं। कितना क्या नुकसान हुआ यहाँ पे? अभी यहाँ पे हमारा नुकसान करीब 2-3 लाख रुपए का हुआ ही, अगर हम तोड़ के बनवाएंगे तो दोबारा, क्योंकि बनाने में ही पैसे लगते हैं, कलर में ही पैसे लग जाते हैं 5-7-8 हजार रुपए। क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नंदराम कुशवाहा है और मैं इस मंदिर से 1996 से जुड़ा हूँ, अभी संरक्षक हूँ। गुना के चांसावली रोड पर रहने वाले मोहन कुशवाहा अपनी छत पर गए हुए थे, तभी बिजली गिरने से वह उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में मोहन कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बिजली की घटना से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मोहन कुशवाहा। कौन है आपके? जी बताएं क्या हुआ इनके साथ में? इनके पास ये ऊपर से एक दुकान से आए थे काम करके, घर पे गए थे, घर पे जाके ऊपर देखने गए थे, सामान तो नहीं रखा कुछ, ऊपर से नीचे ही आ रहे थे, बिजली आ गई, बिजली गिर गई, घर पे गिर गई। हाँ तो क्या चक्कर आ गए थे, घर बेहोश हो गए थोड़ा। चोट कहाँ कहाँ आई है? चोट आई सिर में आई है, हाथों में आई है, शरीर में। कैसी कंडीशन है इनकी? अभी कंडीशन गंदी है। बोल पा रहा है? नहीं बोल पा रहा है। कहाँ पे रहते हैं? चांसावली रोड पे, मंगल। कितने बजे घटना है ये? करीब 9:30। घर पे क्या क्या नुकसान हुआ? घर पे नुकसान आगे का छज्जा रहता है वो पूरा टूट चुका है आगे का, और 3 दिन लगे थे वो। क्या इनका क्या नाम है? मुनेश कुशवाहा। कितनी उम्र है? 33। चरवाहे के धारदार हथियार से नरशंस हत्या, 30 बकरी चोरी कर ले गए आरोपी। चरवाहे के धारदार हथियार से नरशंस हत्या, 30 बकरी चोरी कर ले गए आरोपी। आपको बता दें कि गुना जिले के कई क्षेत्रों में अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, डकैती चोरी की वारदातें सिर चढ़कर बोल रही हैं। अपराध दिन पर दिन बढ़ रहा है, खुलिया से कम घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। ताज़ा मामला विजयपुर थाना क्षेत्र का है। एक चरवाहे के धारदार हथियार से नरशंस हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने लाश को लेकर हाईवे पर लंबा जाम लगाया। विजयपुर थाना प्रभारी जुबेर खान ने बताया कि विजयपुर थाना क्षेत्र के पठार पर रहने वाले एक चरवाहा अपने बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। उसकी डेड बॉडी मिली, उस पर धारदार हथियार और पत्थर से हत्या करने के निशान पाए गए। परिजनों ने लाश को लेकर जाम लगाया। लाश सावरिया होटल के पीछे जंगल में मिली है। मृतक का नाम नारायण सिंह, पिता माधु सिंह पिंटारा बताया है। चरवाहे की 30 बकरियां अभी घटनास्थल पर नहीं मिली, संभवतः आरोपी बकरी चोरी करके ले गए। प्रथम दृष्टया मामला बकरी चोरी से संबंधित लगता है। पूरा खुलासा पुलिस जाँच के बाद ही हो पाएगा। गुना में कांग्रेस ने अन्याय का पुतला फूंका। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के विरोध में प्रदर्शन, 2 जगह हुआ कार्यक्रम।
गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस ने शहर में दो जगह प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने अंबेडकर चौराहे पर नारेबाजी की, वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने हनुमान चौराहे पर अन्याय का पुतला फूका। उन्होंने काफी देर तक चौराहे पर नारेबाजी करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है, ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपेश पाटनी ने बताया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। राहुल गांधी देश के लाडले नेता हैं, उनके द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब सरकार के पास नहीं है, इसलिए सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ने अंबेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक वहां नारेबाजी की। हालांकि कांग्रेस द्वारा शहर में ही इस तरह से 2 जगह प्रदर्शन करना चर्चा का विषय रहा। वहां आज 300 मीटर की दूरी पर 2 अलग-अलग प्रदर्शन हुए। आज जो ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है कि हम सबके माननीय कांग्रेस के लाडले नेता, भारत के लाडले नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया था, उनके जो संसद के जो उनके सांसद के खिलाफ जो उनका एक जो भाजपा के नेतृत्व में जो कोर्ट के खिलाफ फैसला दिया गया था उसका आज हमने विरोध किया है। आज उसका रिजल्ट आना था, जो कि उनकी जो अर्जी थी वो खारिज कर दी गई है। उसके खिलाफ आज पूरे कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ के तहत अन्याय के काम ने पुतला दहन किया है। क्या नाम है आपका? दीपेश पाटनी, ब्लॉक कांग्रेस। अम्मा ने 4 पीढ़ियों के साथ सेवा भारती में अपने परपोते का जन्मदिवस मनाया। आज दिनांक 7/7/2023 को सेवा भारती में सेवा भारती अध्यक्ष डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी जी के पोते एवं डॉक्टर राहुल एवं जूली के पुत्र रुद्रांश का जन्मदिन धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्मदिन के शुभ अवसर पर डॉक्टर साहब की अम्मा ने भी उपस्थित रहकर अपने परपोते को आशीर्वाद दिया। सेवा भारती सदस्य एवं पितृगण द्वारा दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से अपने परिजनों का इलाज कराने आए बंधु बांधव को भोजन मिष्ठान वितरित कर सेवा भारती से सेवा दिवस के रूप में मनाया। सेवा भारती में सेवा दिवस के रूप मनाया। सेवा भारती परिवार की ओर से जन्मदिन पर इस पुण्य कार्य हेतु रघुवंशी परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां एवं मंत्रगण सहयोगियों का आभार। गुना में विद्यारंभ संस्कार महोत्सव के साथ अन्य गतिविधियों का हुआ आयोजन। केंद्रीय विद्यालय गुना में नए सत्र के प्रारंभ होने के साथ ही नए विद्यार्थियों के स्वागत में विद्यारंभ संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्राचार्य विनोद राजौरिया जी एवं अतिथि नीतू शर्मा मैडम द्वारा दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती जी की मूर्ति पर पुष्प माले अर्पण कर कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ किया गया। योगाचार्य महेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में स्वागत गीत के साथ प्राचार्य महोदय जी और नए बच्चों का स्वागत किया गया। उसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा कविता, नृत्य प्रस्तुति, गीतों एवं अपने विचारों के माध्यम से विद्यालय के नियम रेगुलेशन और विद्यालय में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराया, जिसमें खेलकूद से संबंधित, योगासन से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित, चित्रकला से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित नए विद्यार्थियों को अवगत कराया, जिसमें मंच संचालन का कार्य राजेश प्रजापति सर द्वारा किया गया। वहीं दूसरी ओर विद्यालय में विभिन्न खेलों और योगासन के ट्रायल प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को सिलेक्ट कर जिला व रीजनल लेवल से लेकर नेशनल तक भेजा जाना है, जिसमें खेलों व योगासन के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा निखार कर नेशनल स्तर पर अपना स्थान बना सके। हाल ही में विजयपुर गेल में नगरी राजभाषा कार्यालय समिति द्वारा आयोजित चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय से गणित शिक्षक रंगनाथ शर्मा ऋषिकेश भार्गव सर ने भाग लिया, जिसमें रंगनाथ शर्मा सर द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इस अवसर पर जिसमें राजभाषा के क्षेत्रीय प्रभारी अग्रवाल विजयपुर गेल द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता में गुना विजयपुर क्षेत्र के सभी शासकीय कार्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर नीतू शर्मा मैडम, ठाकुर सर, अश्वाक सर, प्रतिभा मैम, राजेश प्रजापति सर, मानव सर सहित केंद्रीय विद्यालय गुना के सभी स्टाफ सदस्यों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज केंद्रीय विद्यालय गुना में विद्यारंभ संस्कार महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें जो नए विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है, जिसमें अलग अलग गतिविधियाँ एक्टिविटी की जाती है उनके स्वागत में, जिसमें नृत्य
नृत्य का आयोजन किया गया, कविताएं बच्चों द्वारा गाई गई और विद्यालय की जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं उनसे उनको अवगत कराया गया, जिससे कि विद्यार्थी विद्यालय को अच्छे से समझ के और अपने जीवन में विद्यालय के जो नियम कानून को अच्छे से अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ सके। साथ में ही विद्यालय में वर्तमान में अभी खेलों की एक्टिविटी भी चल रही है, योगासन की एक्टिविटी चल रही है, जिससे कि विद्यार्थियों का भी ट्रायल लिया जा रहा है। उन विद्यार्थियों को जो अच्छी श्रेणी के हैं और जो सभी का परफेक्ट तरीके से उनको नेशनल और इंटरनेशनल और रीजनल से लेके इंटरनेशनल तक खेलों में भी आगे बढ़ाने के लिए अभी ये गतिविधियाँ चल रही हैं। बहुत जल्दी विद्यार्थी विद्यालय से बाहर भी खेलों में खेलने के लिए जाएंगे। मैं योगाचार्य महेशपाल, केंद्रीय विद्यालय गुना से। जैसा कि आज केंद्रीय विद्यालय गुना में विद्या आरंभ संस्कार महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें फर्स्ट क्लास के बच्चों का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, उनको नए क्लासेस में ज्वाइन कराने के लिए, साथ में ही विद्यार्थियों को पूर्णतः विद्यालय की गतिविधियों से भी अवगत कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कविताओं का गायन किया, नृत्य का गायन किया। साथ में ही इसी के साथ साथ अभी विद्यालय के जो गतिविधियां चल रही हैं, स्पोर्ट्स में ट्रायल भी चल रहे हैं, योगासन के ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें विद्यार्थियों को अभी कुछ ही समय पश्चात रीजनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई जयंती। आरोन में भाजपा पार्टी कार्यालय में गुरुवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष मुनेश जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई गई। मौके पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मंडल अध्यक्ष ने कहा, देश में धर्म केवल राष्ट्र धर्म है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दो विधान हैं, दो प्रधान एवं दो निशान के विरोधी थे। आज के दौर में उनके जैसा सिद्धांतवादी व्यक्तित्व युवा वर्ग के लिए प्रकाश स्तंभ के सम्मान है। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष भाजपा से राजू यादव, विशाल सोनी आदि कई लोग मौजूद रहे। शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा और संकल्प शक्ति से सफल होगा निपुण भारत अभियान। तुलसीदास दुबे। भारत सरकार द्वारा शिक्षित भारत समर्थ भारत के महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया निपुण भारत अभियान शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा और प्रचंड संकल्प शक्ति से ही सफल होगा। इसके अंतर्गत मिशन अंकुर राष्ट्र के भविष्य निर्माता हमारे बच्चों के प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम है, जिसे सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को समर्पित भाव से अपने विद्यालय में रोचक गतिविधियों के साथ लागू करना है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बच्चों के बीच सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर अपने प्रभावी तथा कुशल शिक्षक देने का परिचय देना है। उक्त बाद राज्य शिक्षा केंद्र के स्टेट रिसोर्स पर्सन SRJ तुलसीदास दुबे ने मॉडर्न स्कूल गुना में निपुण भारत अभियान के अंतर्गत चल रहे 5 दिवसीय FLN प्रशिक्षण में गुना विकासखंड के शिक्षकों को मार्गदर्शन देते हुए दुबे ने प्रशिक्षण का अवलोकन करते हुए शिक्षकों द्वारा मौखिक भाषा शिक्षण ध्वनि जागरूकता डिकोडिंग धारा प्रवाह साप्ताहिक एवं आवधिक आंकलन उपचारात्मक गतिविधि पाठ योजना निर्माण वर्कशीट कार्य के फोल्डिंग आदि विषयों पर व्यक्त की गई जिज्ञासाओं का तार्किक समाधान किया तथा शिक्षकों से आग्रह किया कि प्रभावी एवं परिणामदायी शिक्षण हेतु पाठ योजना बनाकर सहायक शिक्षण सामग्री के साथ पाठ की पूर्व तैयारी करके ही कक्षा में प्रवेश करें तथा पूर्ण आत्मीयता एवं शिक्षण कौशलों के साथ शिक्षण कराएं, क्योंकि इस योजना के अनुवर्तन हेतु भारत सरकार से लेकर राज्य संभाग जिला डाइट विकास खंड एवं संकुल स्तर तक संनियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर मोहल्ले वालों की मदद से पाया काबू। स्ट्रीट लाइट पूरी तरह बंद हो गई, मोहल्ले में छाया अंधेरा। गुना वार्ड नंबर 1 नानाखेड़ी बिजली के खंभे पर लगे शॉर्ट सर्किट में बिजली के खंभे पर लगे डिब्बे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग रहवासियों के प्रयासों से डिब्बे में लगी आग पर पाया काबू। बड़ी घटना होते होते टली। पता ही जी खंभे में आग लग गई, कितने बजे लगी थी? अभी तो अंडा मंडा बंद होगा कि जल रहा है? बंद होगा कि जल रहा है? बंद होगा। पूरी कॉलोनी में दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भ्रमण कार्यक्रम आज राघोगढ़ में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिनांक 8 जुलाई 2023 को गुना जिले के राघोगढ़ में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन एवं विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री चौहान 8 जुलाई 2023 को दोपहर 12:30 बजे गुना जिले के राघोगढ़ में ITI परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन एवं विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा दोपहर 3:15 पर भोपाल हेतु प्रस्थान करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आदिवासी सम्मेलन में दिखा एक अनोखा अंदाज। बमौरी में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बमौरी विधानसभा के ग्राम सिमरौद में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के दौरान हमारे जनजातीय समुदाय के नागरिकों के साथ उनके लोक नृत्य का आनंद लिया और आदिवासी गाने पर जमकर थिरके। जलागुना में हजरत चांद शाह वली दरगाह कमेटी के अध्यक्ष एहसान मोहम्मद एवं कमेटी के पदाधिकारी सदस्यों का मक्की मस्जिद सदर एवं गुना के हिंदू भाइयों ने फूलमाला पहनाकर इस्तकबाल किया। साथ ही गुना सहित जिले भर के मुस्लिम समाज के लोगों ने हजरत चांद शाह वली दरगाह कमेटी के अध्यक्ष एवं कमेटी के लोगों को मुबारकबाद दी और मुस्लिम समाज द्वारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जलागुना की नई कमेटी का गठन किया है जो सराहनीय है। नए लोग होंगे तो नए काम होंगे, नई सोच होगी। जबकि जिले भर में मुस्लिम समाज के लोगों में वक्फ गुना की कमेटियों का गठन होने पर खुशी की लहर है। सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विध मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विध मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त, हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448।